जैसा कि आप लोगों को पता है कि होली का त्योहार चल रहा है, तो इसी दौर में मैंने राधा कृष्ण की मूर्ति बनाकर दिखाई है फ्रेंड्स आप लोगों को। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा हुआ है कि कृष्ण भगवान राधा जी के ऊपर रंग डाल रहे हैं पिचकारी से। सो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यदि आपको वीडियो को लेकर कोई भी डाउट हो तो मुझे प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, नेक्स्ट टाइम से आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक लकड़ी का पटिया लेंगे और उस पर दो कील लेकर कुछ इस तरह से हम तार का शेप बना लेंगे। ये जो तार मैंने यूज़ किया है ये कड़क तार है फ्रेंड्स, ये आपको बाज़ार पे भी मिल जाएगा यदि आप बाज़ार से ख़रीदेंगे तो, बहुत ही कम दाम में मिल जाएगा आप लोगों को। सो अब हम ऊपर से मिट्टी लगा लेते हैं, कुछ इस तरह से मिट्टी को चपटा करके हम इसमें लगाएंगे। अब कृष्ण जी के पैर के लिए मिट्टी लगा लेते हैं। अच्छे से पूरे जो तार है उसको कवर कर देंगे हम। अब राधा जी के ऊपर मिट्टी लगा देते हैं अच्छे से। गर्दन के लिए हल्की सी मिट्टी लेंगे और कंधे के लिए मिट्टी लेंगे और अच्छे से चिपकाएंगे इसको अंगूठे की हेल्प से। प्रेस करते हुए इसको इस तरह से लगाना है। सीने के लिए भी मिट्टी ले लेते हैं। अब ऊपर से अच्छे से पैर को थोड़ा सा हल्का सा शेप दे देंगे हम। अब राधा जी के कंधे लगा देते हैं, कंधे और फिर बाद में हम हाथ लगाएंगे। अब सीना बना देंगे फ्रेंड्स। अब पेट के लिए मिट्टी लेंगे और अच्छे से चिपका देंगे अंगूठे से प्रेस करते हुए अच्छे से। अब बारी आती है हाथ को लगाने की। सो इस तरह का कुछ शेप बनाया है हाथ का और इसको लगा देंगे अच्छे से ऊपर से मिट्टी की हेल्प से, और दूसरा भी लगा देंगे कुछ इस तरह से। कृष्ण जी उन पर कलर डाल रहे हैं इसीलिए वो मना कर रही हैं कि मत डालो। कृष्ण जी का भी हाथ लगा देंगे, दूसरा हाथ भी लगा देंगे। अब बारी आती है पिचकारी की। कुछ इस तरह से धागा लेंगे आगे की ओर, मिट्टी लगा देंगे उसके बीच में, पिचकारी का शेप बना देंगे और पीछे से तार लगाकर पिचकारी बन जाएगी फ्रेंड्स। और इसको हाथ में दे देंगे हम कृष्ण जी के, और ये जो मेरे पास मोल्ड रखा हुआ था उसी में मिट्टी डालकर ये फेस को मैंने निकाला है। मोल्ड मेकिंग वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं या फिर सर्च भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इन डिस्क्रिप्शन में भी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी और भी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, आप वहां से भी चेक करके मेरी वीडियोस देख सकते हैं। राधा का भी फेस बना दिया, मोरपंख बना लेते हैं। इसको हम सबसे लास्ट में बनाएंगे, मतलब कि लगाएंगे सबसे लास्ट में। इसको बनाने के बाद हमको रख देना है अलग।
कृष्ण जी पूरे रेडी हो जाएंगे, उसके बाद सबसे लास्ट में इसको लगाएंगे। इसको रख देते हैं नीचे पटिए पे। अब कान बना देते हैं। दूसरा कान भी बना देंगे। अब राधा का भी कान बना देते हैं। दूसरा कान भी बना देंगे। अब उंगली लगा देते हैं फ्रेंड्स एक एक करके। अब डिजाइन कर देते हैं अच्छे से हाथ की हथेली की टूल की हेल्प से। अब कृष्णा जी के भी उंगलियां बना देंगे फ्रेंड्स एक एक करके। चार उंगलियां एक साथ जोड़कर और इनको भी लगा देंगे हम हाथ में। अब अंगूठा लगा देंगे। अब पैर की उंगलियां लगाएंगे फ्रेंड्स एक एक करके। अब दूसरे पैर की उंगलियां लगा देंगे। पिचकारी के धागे में अच्छे से मिट्टी लगा देंगे ऊपर से, ताकि इसको हम बाद में शेप देंगे इसको पानी की तरह थोड़ा ऊपर उठाकर। अभी ये जैसा गिर रहा है ऐसा नहीं गिरेगा। कड़क होने के लिए इसमें हल्की सी मिट्टी से मिट्टी के गोल से इसको लगा देंगे ऊपर से, और फिर उसके बाद हम बाद में कलर से करेंगे। तो फटाफट से अब मैंने क्रीम कलर कर दिया है इनमें, और अब आईज को ड्रॉ कर रही हूँ मैं। ऊपर से आई शेडो लगा देंगे और लिप्स को पिंक कलर से कलर कर देंगे डार्क वाले, और कृष्ण के होंठ लाइट पिंक कलर से कलर कर दिए हैं। अब आईज को खोल देते हैं। नकली हेयर लगाएंगे हम। सबसे पहले ऊपर से ब्लैक ब्लैक कर देंगे, ताकि हेयर लगाने के बाद अजीब ना दिखे। हल्की हल्की हथेलियों को गुलाबी कर देंगे, और वहां पर से उंगलियों को कलर कर देंगे। इसमें मैंने फेविकोल लगाकर इस कपड़े को चिपका देंगे ऊपर, जो ब्लाउज की तरह थोड़ा दिखेगा। बद्दी लगा देते हैं ऊपर और नीचे भी। अब बारी आती है लहंगे की। कुछ इस तरह से हम इसमें सल डालेंगे, और सल डालने के बाद इसको सुई से सिलेंगे। एक एक करके हम सारे सल को डाल लेते हैं इसमें।
सो फ्रेंड्स, सब्जी सिल चुका है। अब इसको हम इस तरह से चिपकाएंगे। उससे पहले इस लेस को मैंने सिल लिया है इसमें। अब इसके ऊपर एक पिंक कलर की लेस और लगा देंगे, इसको और सिल लेंगे ऊपर से। सो ये सिल चुकी है, अब हम इसको पहना देते हैं फेविक्विक की हेल्प से। सो ये चिपक चुका है, अब इस लेस को हम कमर में बांध देंगे। इसको भी कट करके फेविक्विक से चिपका दिया है। अब ये पल्ला लेंगे और इसको फेविक्विक डाल के चिपका दिया है। अब ये नग लेंगे, नग की माला इसको कमर में बांध दिया है। गले में मोतियों की माला की तरह कुछ इस तरह से पहना देंगे फ्रेंड्स। सो पहना दिया है, अब ये नग लिया है और फेविकॉल लगाकर इसको चिपका दिया है फ्रेंड्स इयररिंग के लिए। अब नकली हेयर लगा देंगे, फेविकॉल के हेल्प से चिपका दिया है। अब नथ पहना देते हैं, अब मांग टीका और अब चुन्नी को उड़ा देंगे ऊपर। सो अब ये कृष्ण जी के लिए कुछ इस तरह से तिकोना कपड़ा लिया है और इसमें हम सल देंगे। इसको भी सिल लेना है फ्रेंड्स, फटाफट से हम इसको सिल लेते हैं। सो पहला वाला सिला चुका है, दूसरा वाला सिल लेती हूँ। सो दूसरा वाला भी सिला चुका है। अब इसके एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेते हैं। कृष्ण जी की नाप के अनुसार इसको कट कर लेंगे हम। पहले कृष्ण जी में नाप लेंगे, उसके बाद अब इसको पहनाना है। सो एकदम परफेक्ट कटा है। अब ग्रीन कलर के कपड़े को इसको दूसरे वाले से इसको बांध देंगे कुछ इस तरह से, और दूसरी ओर भी इसको बांध देंगे। उसके बाद जो डिज़ाइन हमने बनाई है उसको हम इस तरह से चिपकाएंगे। सो चिपका लेते हैं। सो बहुत ही अच्छे से चिपक चुका है, अब दूसरा पैर की ओर भी चिपका लेंगे। सो फ्रेंड्स, ये बन के रेडी हो गया है। अब एक छोटा सा येलो कलर का कपड़े का टुकड़ा लेंगे और इसको भी कुछ इस तरह से सल बनाकर चिपका देंगे फेविक्विक डाल के। सो ये भी चिपक चुका है। अब ये ग्रीन कलर की लेस को इस कमर में पहना देंगे और दूसरी लेस, ये मोटी वाली है, इसको दुपट्टे की तरह पहना देंगे। अब गले के हार के लिए कागज़ लेंगे और गले के शेप के अनुसार एक हार के डिज़ाइन को कट करेंगे। सो परफेक्ट कटिंग हुई है। अब इसमें हम फेविकॉल लगाएंगे फ्रेंड्स। अच्छे से पूरे में फेविकॉल लगा देंगे। अब ये कुछ सितारे हैं, इसमें हम ऊपर से डाल देंगे सितारों को। गोल्डन कलर के सितारे हैं फ्रेंड्स। सितारे ढल गए हैं, अब गोल्डन कलर की ग्लिटर डाल देंगे ऊपर से। सो अब गले में हल्का सा फेविकॉल लगाएंगे और इसको चिपका देंगे। परफेक्ट। अब हाथ में हम कुछ इस तरह से बाजूबंद की तरह लगा देंगे और हेयर को लगा दिया है। और पगड़ी के लिए एक दूसरी लेस यूज़ की है, मोरपंख लगा देते हैं। पिचकारी को ग्रीन कलर से कलर कर रही हूँ फ्रेंड्स, और कलर डाल रही हूँ अब मैं अलग अलग कलर।
कलर लगा देंगे इनके हाथ पैर में, चेहरे पर भी, बॉडी में भी। और ये जो हमने पिचकारी में कलर यूज़ किया है, इसको सूखने देंगे। सूखने के बाद ये कुछ ऊपर उठा देंगे हम इसको, ये बिल्कुल पिचकारी की तरह लगेगा। सो फाइनल लुक बन के रेडी है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, पिचकारी बिल्कुल ऊपर उठ चुकी है, ऐसा लग रहा है जैसे सच में पानी निकल रहा है। कड़क होने के बाद हम जैसे चाहें इसको शेप दे सकते हैं। सो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियोस मिल जाएंगी मेरी और वीडियोस, यदि आप देखना चाहते हैं तो। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।